नमस्ते श्वेता नमस्ते दी। भाई, गुड इवनिंग दी। नमस्ते भाई, वेलकम वेलकम दी। श्वेता दी। और थैंक यू सो डॉक्टर मच। डॉक्टर श्वेता श्वेता बहन का वेलकम वेलकम करते हैं हम लोग आज अपनी सिंसियर एंड बहुत ही मेहनती, इतना मेहनत करते हैं कि बहुत कम समय में बहुत तेजी से ये ग्रोथ किए और काफी अच्छे अच्छे मेडिसिन ये क्रैक करते हैं अभी, तो बहुत खुशी मिलता है। और काफी रेयर रेयर मेडिसिन के भी केसेस इन्होंने निकाले, इनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा कर रहे हैं श्वेता दी, काफी खुशी है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच भाई फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो WHF ये की तरफ से आपका वेलकम करता हूं मैं। आप आज का जो सेशन है वो सच में बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जी, आप अपना सेशन लेंगे, शुरू करिए। थैंक यू सो मच भाई। सबसे पहले तो आपने मुझ पे इतना फेथ रखा, विश्वास रखा कि मैं इस लायक हूँ, कि मैं ये कर पाऊँगी। और आप हमेशा ही मेरे एक सपोर्ट के लिए मेरे लिए खड़े रहे। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। और मुझे बहुत खुशी हुई थी। और ओवरऑल मैं आपको आपको बहुत 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 थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे इस लायक समझा। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो आपका विश्वास है, मैं उसको उस पर खरी उतरूँ। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी ने, अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आप सभी ने केस अच्छे से पढ़ा है और बहुत लोगों ने मेडिसिन क्रैक की भी है। बहुत अच्छा केस था। मेरा ये केस डालने का बेसिकली मोटिव ये था कि आप लोगों को ये बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर मिले इस पेशेंट की। क्योंकि जब ये पेशेंट मेरे पास आई थी, बहुत मेरा थोड़ा काफ़ी पुराना केस है ये, जब मैं माइंड मेथड में सिर्फ स्टार्ट ही हुआ था। और तभी मेरे पास शायद ये सेकेंड ईयर था, सेकेंड थर्ड तो नहीं, हाँ थोड़ा सा थोड़े टाइम बाद ये वाला केस आया था, जिसमें मुझे एकदम परफेक्ट पिक्चर मिली थी इस मेडिसिन की। तो भाई सीधा डिस्क्लोज कर दें, है ना? सब लोगों ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया है। दी, अगर आप केस को नरेट कर देंगे ना तो अच्छा रहेगा, वो यूट्यूब में हाँ भी जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ 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 हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले मैं केस ही नरेट कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ केस ऑफ अ 59 ईयर्स ओल्ड वुमेन हु केम विद हर ब्रदर इन लॉ। मतलब जो उनके देवर हैं वो मेरे काफ़ी बहुत पुराने पेशेंट हैं, तो वो अपनी भाभी को लेकर आए थे। तो जब पेशेंट ने एंटर किया, वो बहुत ही शांत लेडी थी, बड़ी माइल्ड थी और थोड़ी सी ना डल लग रही थी। एक तो एज फैक्टर भी हो सकता है। तो जब वो एंटर कर रही थी तो बहुत धीरे धीरे डलनेस के साथ आई थी। तो उन्होंने आते ही मुझे बोला नमस्ते। मैंने बोला नमस्ते आंटी। फिर वो बैठी तो मैंने बोला हाँ जी आंटी, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो उन्होंने ना कुछ नहीं बोला, उन्होंने सीधा उनके साथ में जो देवर बैठे थे ना, उन्होंने उनको ऐसे देखा और वो चुपचाप ऐसे बैठ गई। तो हो सकता है जो उनके ब्रदर इन लॉ वो जानते हो उनके बिहेवियर को या उनके नेचर को। तो उन्होंने बोला कि ना भाभी जी को कंधे में ना बहुत दर्द रहता है, हाथ में बहुत दर्द रहता है, उंगलियों में सुन्नपन आ जाती है और इनको ना बहुत चक्कर आते हैं। फिर हम लोग सब ना बड़े डर जाते हैं एकदम से जब चक्कर आते हैं, तो ये कुछ कर नहीं पाती हैं। तो ये मेरी बुआ जी के घर के पास ही ये लोग रहते हैं, नेबर्स हैं। तो मेरी बुआ जी को भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम थी, तो बुआ जी से उनकी जो उनके ब्रदर इन लॉ उनकी वाइफ आई थी, उनको भी सर्वाइकल था। फिर ये पेशेंट इनको भी लेकर आए थे। तो फिर मैंने इनसे डायरेक्टली पूछा आपको, फिर मैं उन पेशेंट से पूछा कि आंटी कब से हो रहा है आपको। तो पेशेंट ने बोला बेटा 2 साल हो गए हैं, मैंने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया था तो उन्होंने नींद की दवाई दी थी। ये जो पेशेंट है इनको डिप्रेशन भी था और डिप्रेशन की मेडिसिन भी ले रही थी, स्लीपिंग पिल्स भी ले रही थी, कुछ सेडेटिव्स वगैरह भी ले रही थी, जो कि ट्रीटमेंट के बाद इनका सारा ये सारा दवाइयाँ छूट गई। मैं फॉलोअप डालना भूल गई हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग ज़रूर डालूंगी फॉलोअप की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे ना नींद भी नहीं आती है, डॉक्टर बोले हैं कि सर्वाइकल की दिक्कत है।
तो मैंने उनसे पूछा, आंटी कितने घंटे सो जाते हो आप डेली? तो उन्होंने बोला, बेटे 12 बजे सोती हूँ और 2-3 बजे तो मेरी आँख खुल भी जाती है। फिर अगर मैं अब जैसे दवाइयाँ लेकर सोती हूँ तो मैं 11 बजे तक सो जाती हूँ और फिर सुबह 3-4 बजे मेरी फिर आँख खुल जाती है, फिर तो मैं बस आँख बंद करके लेटी रहती हूँ। ठीक है, तो मैंने उनसे बोला, आंटी कोई परेशानी है क्या? कोई आप स्ट्रेस ले रहे हो? कोई चिंता फिक्र चल रही है क्या 1.5-2 साल से, जब से ये बीमारी हुई है, या उससे पहले से कोई दिक्कत हुई है? तो पेशेंट ने बोला, नहीं बेटा कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, घर परिवार बच्चे सब अच्छे हैं। तो मैंने बोला, आंटी कोई ऐसी, देखो क्या था, वो सर्वाइकल को लेकर आई थी, तो सर्वाइकल जो है बेसिकली, सर्वाइकल और ये बैक एक जो है बेसिकली, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ऐसी आ जाती है, ज्यादातर ऐसा होता है कि उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो डॉक्टर ने बोला, मैंने बोला कि कोई जिम्मेदारी आप उठा रहे हो या आप नहीं उठा पा रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या, उन्होंने बेचारे कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ अपने देवर को देखा और बोला, नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। तो एकदम उनका देवर उनके बोलते हैं कि एक्चुअली ना ये 2 साल से अपने बेटे के साथ यहाँ पे आए हैं, बीच में आती जाती रहती हैं अपने गाँव में भी, और भाई साहब जो है वो गाँव में ही रहते हैं। अब क्या है कि इनकी जो बेटा है उसकी 3 साल की बेटी है, तो ये और वो ना घर में अकेले ही रहते हैं, तो इनका ना यहाँ मन भी नहीं लग रहा और ये कहीं आसपास भी नहीं जा पाती है बहुत, क्योंकि वो थोड़ी टिमिड और थोड़ी रिजर्व सी नेचर की आंटी है। तो मैंने बोला, आंटी अच्छा ऐसी कोई बात है क्या, बताओ आप मुझे ठीक से बताओ। तो उन्होंने ना बोला, हाँ बेटा देखो मुझे अकेलापन तो थोड़ा लगता है, यहाँ पे कोई आसपास है भी नहीं, देखो क्योंकि वो गांव में रहने वाला इंसान है, अब वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने घर की याद आ रही थी, हस्बैंड की भी याद आ रही थी, उनकी भी बहुत चिंता हो रही थी। तो यहाँ कोई बात भी नहीं है करने के लिए बेटा, आस पड़ोस में भी मैं कहीं नहीं जाती, क्योंकि अब क्या है यहाँ पे दिल्ली में ज्यादातर सब फ्लैट्स में रहते हैं, तो वैसे यूजुअली लोग जैसे फ्लैट्स में भी रहते हैं, सोसाइटी में बाहर निकलते हैं बात करते हैं, बट वो आंटी बहुत अपनी रिजर्व नेचर की वजह से किससे ज्यादा बात नहीं करती थी। तो वो कहती है, मैं थक भी जाती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे को संभालना इज अ रियली बिग टास्क, तो पूरा दिन उसको संभालना, फिर उसका खाने पीने का ध्यान रखना, तो वो बोलती है मैं थक भी जाती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है बेटा सब अच्छा है। फिर भी वो जो है सब चीजों से, उन्होंने किसी की शिकायत कभी नहीं की कि बेटा बहुत भी चल जाती है, नहीं तो यूजुअली ऐसा भी हो सकता है, कुछ मदर इन लॉज ऐसी भी हो सकते हैं जो बोले कि नहीं नहीं वो तो चल जाती है मुझे देखना पड़ता है, ऐसे कोई कंप्लेन कर सकती हूँ, बट इन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। इन्होंने बोला, नहीं नहीं बेटा सब अच्छा है, गुड़िया का भी मैं ध्यान रखती हूँ, अभी बीमार थी वो तो उसकी मम्मी तो ऑफिस जाती है, मैं ही देखती हूँ उसको। तो वो, मैंने बोला ठीक है आंटी, और तो बोली, नहीं बेटा और कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा, आंटी कोई सोच विचार दिमाग में आता हो, ऐसा कुछ है, कोई टेंशन तो नहीं लेते, कुछ सोचते रहते हो? तो कहती, हाँ बेटा मैं सोचती तो हूँ, कई बारी सोच विचार आ जाते हैं, और खासकर जब भी मैं सोने लगती हूँ ना तब आते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाता है मेरे ना, और वो सोचते 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 फिर मुझे नींद भी नहीं आती, फिर मुझे गोली लेनी पड़ती है। तो मैंने कहा, आंटी कैसे विचार आते हैं थोड़ा सा बताओ मुझे, ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, इस केस के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस ये है कि देखो मेरे हस्बैंड पति वहाँ रहते हैं, तो मुझे उनकी सेहत की भी चिंता रहती है, और वो भी बेचारे वहाँ अकेले हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी टेंशन रहती है। तो मैंने बोला, आंटी आप चले जाओ। तो कहती, हाँ बेटा आती जाती तो रहती हूँ, पर ज़्यादा मैं यहीं रहती हूँ, अब मैं जा भी नहीं सकती क्योंकि अब गुड़िया जो है वो छोटी है और बच्चे जो हैं मेरे वो दोनों ऑफिस जाते हैं, तो फिर अब मैं जा भी नहीं सकती। बहुत माइल्ड थी उनकी टोन, बहुत सॉफ्ट स्पोकन। तो फिर मैंने केस थोड़ा आगे बढ़े हम, मैंने बोला, आंटी कोई सपने आते हो आपको? तो बोली, हाँ बेटा मेरी ना जेठानी दिखती है, अभी 1 साल पहले वो चल बसी, मेरे सामने ही बैठी थी और बातें कर रहे थे सारे, और पता नहीं क्या हुआ अचानक। हेलो, हाँ। तो उन्होंने बोला कि बातें कर रहे थे सारे और पता नहीं क्या हुआ अचानक बेहोश हो गई। फिर डॉक्टर ने बोला, इनमें तो जान ही नहीं है, इनमें तो कुछ बचा ही नहीं। तो लेकिन मुझे ना उनके सपने बहुत आते हैं, वो मुझे सपने में दिखती है। तो मैंने उनसे पूछा, आंटी आप डरते वरते भी हो क्या? कहती, नहीं नहीं ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है, पर हाँ मुझे वो सपने में आती है। मैंने कहा, आंटी और कोई बात? तो कहता, बेटा मुझे ना किसी से कोई भी शिकायत नहीं है, और बेटा बहू सब बहुत अच्छे हैं, मेरा सब ख्याल रखते हैं, तो बस यही केस था। मैंने बोला, ठीक है आंटी आपको दवाई देते हैं, यही केस था।
अब जैसे कि बहुत लोगों ने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया, बहुत अच्छे से क्रैक भी किया केस, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आंटी कितनी रेवरेंस में थी, इजंट इट, कितनी रेवरेंस में थी। वो आते ही बेटा नमस्ते करके, मतलब मैं उनसे इतनी छोटी हूँ, शी इज़ 57, तो 57 और 59 आई थिंक। तो उन्होंने मुझे इतना रेवरेंस दिया, इतना इज्जत दिया, ठीक है। तो मैं रेवरेंस रूब्रिक मैंने एक साइड रख लिया था कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि कंफर्म रूब्रिक है या नहीं, क्योंकि एक बार दो बार बोलने से एकदम से मैं रेवरेंस नहीं, कोई भी रूब्रिक नहीं लेती हूँ, क्योंकि उस रूब्रिक का एक मॉर्बिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद मैं आंटी से पूछूं, लेकिन आंटी जवाब नहीं दिया। ऐसे कितने पेशेंट्स होते हैं हमारे सामने जो आते हैं, वो एकदम जवाब नहीं देते, वो किसी और को देखते हैं, यूजुअली बच्चे ऐसा करते हैं। तो आंटी ने नहीं दिया, तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है वो थोड़ी टिमिड हो नेचर में या इंट्रोवर्टेड हो। तो मैंने ये रूब्रिक साइड में लिखने शुरू कर दिए, इंट्रोवर्टेड। फिर मुझे लगा शायद वांट ऑफ कॉन्फिडेंस भी है कि अब वो गांव में रहती थी, दिल्ली में आई हैं, तो हो सकता है वो अभी खुल नहीं पा रही हूँ, है ना। और आंसरिंग अवर्शन टू भी मैंने एक साइड में रख लिया था। उसके बाद हाँ, तो उन्होंने बोला सब अच्छा है, सब अच्छा है ना, कितनी कितना बोल रही है, सब अच्छा है, घर परिवार कितना अच्छा है। तो मैंने एक रूब्रिक ले लिया कॉन्टेंटेड, ठीक है। उसके बाद मुझे जैसे वो बोल रही थी इतनी माइंडली टिमिड लगी, तो मैंने ये रूब्रिक्स भी रखे साथ में, और मैंने रिजर्व नेचर भी रखा, नहीं बेटा कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुल के कुछ बता नहीं रही थी, तो मैंने रिजर्व भी लिखा। और वो आसपास भी नहीं जा रही हैं, घुल मिल नहीं रही है ना किसी से आसपास, तो इसलिए मुझे वो उनका नेचर काफी रिजर्व लगा। उसके अलावा हाँ बेटा, मुझे अकेलापन लगता है, उन्होंने ऐसे बोला ना। तो मैंने इसका लिया लोनलीनेस, और साथ साथ मैंने लिया होम सिकनेस भी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को भी बहुत याद कर रही थी, अपने घर को याद कर रही थी, अपने गांव वाले घर को याद कर रही थी, है ना। उनका यहाँ पे मन शायद इतना नहीं लग रहा था, जबकि 2 साल हो गए थे अब। अच्छा देखो, कितना मेटर्नल इंस्टिंक्ट आप लोगों को लगा एग्जेजरेटेड, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा लगा। मुझे बहुत ज्यादा लगा इनका मेटरनल इंस्टिंक्ट एग्जेजरेटेड। एक डॉक्टर के पास आकर भी शी वॉज लाइक बेटा बेटा, इतने प्यार से बोल रही हैं, एकदम ममता झलक रही थी उनमें से। और जैसे कि वो अपने बच्चों के लिए जो है यहाँ रह रही हैं, दर्द में भी काम कर रही हैं, अपनी पोती का पूरा ध्यान रख रही है। आप सोच सकते हो 57 ईयर्स की लेडी, उसके कंधों में दर्द है, उसको चक्कर आ रहे हैं, एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंड चाइल्ड। तो इसलिए मुझे मेटरनल इंस्टिंक्ट एग्जेजरेटेड लगा, और केयरफुल ऑफ भी लगा, कितनी केयरिंग है। देखो, एक छोटी बच्ची बीमार है, बच्चा कितना, जब छोटे बच्चे होते हैं कितना तंग कर देते हैं खुद के माँ बाप को भी जब वो बीमार होते हैं, और ये आंटी 2 साल से उसका ध्यान रख रही हैं, वो उसको कुछ भी हो, बीमारी हो, ये यही देखती हैं उसको, क्योंकि दोनों उनके जो बच्चे हैं वो तो ऑफिस जाते हैं। उसके बाद हाँ, उन्होंने बोला कि मैं जब भी सोने की कोशिश करती हूँ तो बहुत मेरे मन में ना सोच आती है, कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। तो आई टुक अ रूब्रिक स्लीपलेसनेस विद रश ऑफ फ्लो ऑफ थॉट्स, और दूसरा मैंने लिया एंग्जाइटी विद स्लीपलेसनेस, बिकॉज वो अपने हस्बैंड की भी बहुत चिंता कर रही थी, है ना, पति की सेहत की चिंता कर रही थी। तो उसके बाद हाँ, उन्होंने बोला कि, मैंने बोला आंटी आप घर चले जाओ ना, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बेटा, बच्चों के पास भी तो कोई चाहिए ना। तो यहाँ पे एक रूब्रिक आया एल्ट्रुइज्म, ALTRUISM, यानी कि एल्ट्रुइज्म क्या होता है, दिस इज द केयर, जो एक एक्स्ट्रा केयर होती है अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर, किसी और के लिए इतनी केयर करना कि खुद को भी भूल जाना, दिस इज एल्ट्रुइज्म, और फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। तो इसमें कॉक्यूलस मेडिसिन है, तो इसलिए मैंने एल्ट्रुइज्म लिया। और कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी फील आ रही थी कि कहीं इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेडी पे आई हुई है, एक छोटे बच्चे को संभाल रही हैं और हेल्थ इश्यूज भी हैं और ये कर नहीं पा रही हैं, तो मुझे लगा शायद एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, जबकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रही हैं, वो कर रही हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्रांग भी मैंने लिया, और वो जा भी नहीं रही हैं इस वजह से, है ना। तो उसके बाद सपनों के लिए बताया उन्होंने, तो सपने बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं, आप लोगों को भी पता है ड्यूरिंग केस टेकिंग, किसी केस में अगर कुछ मॉर्बिड लेवल पे कोई सपना आ रहा है ना, तो मैंने लिया ड्रीम्स ऑफ डेड पीपल, और बाकी उन्हें कोई किसी से शिकायत नहीं है, तो आई टुक अ रूब्रिक कॉन्टेंट।
अब तो मेडिसिन कौन सी आई, एज यू ऑल नो, कॉक्यूलस। तो ये आंटी कॉक्यूलस की एक परफेक्ट ड्रग पिक्चर की मेडिसिन थी। अभी हम लोग थोड़ा सा एक चीज और जानेंगे और थोड़ा सा कॉक्यूलस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। देखो, इन आंटी को सर्वाइकल था। अब उसकी वजह, सर्वाइकल से हाथ में दर्द होता है, नमनेस, ये तो इसके जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के। अब नाउ आवर स्पाइन, इट इज द फ्लेक्सिबल सपोर्ट, है ना, ऑफ अवर बैक। फ्लेक्सिबल होती है इनर स्पाइन और ये सपोर्ट कर रही है ना। तो ऐसे ही अब मैंने बहुत सारे केसेस में कॉक्यूलस दी है, सर्वाइकल के केसेस में, जहां पे मुझे एक अच्छी ऐसे एग्जैक्ट ड्रग पिक्चर मिली भी है। तो ये केस में भी सर्वाइकल का केस था, है ना। तो देखो, फ्लेक्सिबल क्या होता है, विच कैन बेंड इजिली, है ना, इलास्टिक होता है, एक इलास्टिसिटी होती है, बेंड हो सकता है, वो एडजस्ट कर लेता है। तो कॉक्यूलस भी एक ऐसी ही रेमेडी है जो कि एडजस्ट कर लेती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स, है ना, और वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेती है, दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करती। अगर उसे कोई प्रॉब्लम भी होगी ना कॉक्यूलस को, तो ही विल नॉट शेयर हिज प्रॉब्लम विद हिज आईपीआर वेरी इजिली, नहीं बताएगा, चुपचाप सहन करता रहेगा अंटिल द एक्सट्रीम स्टेज ऑफ वीकनेस, जब तक एकदम बहुत वीकनेस नहीं आ जाए, क्योंकि वो बहुत सेल्फलेस बंदा होता है, वो अपने बारे में इतना नहीं सोचता, ठीक है। कॉक्यूलस जो है कंपल्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज में भी है एंड हीडलेस एंड केयरलेस अबाउट हेल्थ में है। अब थोड़ा सा कॉक्यूलस को जानते हैं पहले। देखो, कॉक्यूलस जो होता है ना, इसका इसको पॉइजन बेरी भी कहते हैं, थोड़ी सी इसका हम लोग डॉक्ट्राइन जानते हैं। देखो, इट हैज हार्ट शेप लीव्स और इसकी बेरीज कैसी होती है, राउंड होती है। अब कॉमनली इसको फिश बेरी कहा जाता है, कॉक्यूलस को, कॉक्यूलस की बेरीज को, क्योंकि ये एक मेथड है जिससे कि फिशिंग की जाती है, बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया के एरियाज में फिशिंग की जाती है। ये जो बेरीज होती है, दे कंटेन्स एन एल्कलॉइड विच इज वेरी पावरफुल एंड दैट एल्कलॉइड इज कॉल्ड पिक्रोटॉक्सिन। नाउ व्हाट इज पिक्रोटॉक्सिन, ये एक सीएनएस डिप्रेसेंट होता है जिससे कि अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, ठीक है, डिलीरियम हो जाता है, कन्वर्जन्स आते हैं अगर इसकी हाई डोज दी जाए, तो ये बहुत ही पावरफुल पॉइजन है। अब एज यू ऑल नो कि कॉक्यूलस यूजुअली हम लोग जब माइंड मेथड में नहीं थे तो हम लोग किस में देते थे, कार सिकनेस में, मोशन सिकनेस, बहुत दी है मैंने, बहुत दी है, ठीक है, बहुत, जबकि 70% में रिजल्ट भी आता था इससे, कार सिकनेस और मोशन सिकनेस में होती है। अब आप ये डॉक्टराइन देखो, तो जो पॉइजन, ये पावरफुल पॉइजन है पिक्रोटॉक्सिन, इससे भी जो है कन्वर्जन्स आते हैं या फिर अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, ठीक है ना। अब तो जो ये फिशरमैन क्या करते थे, जो साउथ ईस्ट एशिया में थे, ये जो है पानी पे इसको स्प्रिंकल कर देते थे। अब जब वो स्प्रिंकल करते तो जो फिशेस जो होती थी, दे गेट स्टंड, मतलब वो अनकॉन्शियस हो जाती थी। तो इससे क्या होता था, दे यूज टू कैप्चर द फिशेस फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। और हाँ, एक और बात बताएंगे, देखिए जो कॉक्यूलस है, जब इसका स्टेम होता है ना ऑफ द प्लांट, वो टूट जाता है, यूजुअली इस पार्ट को यूज किया जाता है, इट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द रूट्स, ये अपने आप टूट जाता है। तो जो कॉक्यूलस पर्सन भी होते हैं, दे आर सो सेल्फलेस पर्सन, इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। देखिए, जैसे एक स्टेम अपने आप जो है ना टूट जा रहा है, तो कॉक्यूलस भी है ना अपनी रूट्स अपने आप से हटकर, टूट कर ना, वो दूसरों की केयर में लग जाता है। ये इतना एक्सट्रीमली सिंपैथेटिक होता है फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स, दे डिनाई देमसेल्फ, दे डिनाई देयर हेल्थ फॉर अदर्स, दे हैव स्टूपिफाइड देयर ओन फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को वो जो है छुपा कर, और जो दूसरे की फीलिंग्स है वो उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दे ओवर एब्जॉर्ब, यानी कि अपनी जो बीमारी है, अपनी प्रॉब्लम है, उसको ओवर एब्जॉर्ब करते हैं, और लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं बहुत ही खाली भी हो जाते हैं ऐसे करते करते, ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। दे गो टू ग्रेट लेंथ्स इन हेल्पिंग और रिलीविंग द सफरिंग, एज वी नो दे आर वेरी बेनेवोलेंट पीपल, दे विल गो विदाउट फूड, विदाउट स्लीप, इन केयर ऑफ अदर्स,
but still they will persevere. The nurse is up to a limit, but when they feel that now this is not going to change the situation, they recognize the reality and accept it. Okay? एक और हम बात बताएंगे. देखिए, जो कॉक्यूलस है, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है हमारे इंडिया की, कोयास. ये लोग कॉक्यूलस के पत्तों का पेस्ट बनाकर सर पर लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? बिकॉज ये कूलिंग इफेक्ट देती है. और हमें भी पता है कि कॉक्यूलस का बंदा जो है ना, वो यहाँ से ठंडा होता है. वो मतलब शांति से सोचता है, वो हड़बड़ाता नहीं है जल्दी से, है ना. वो कोशिश करता रहेगा, लेकिन वो रिकनसाइल्ड टू फेट में है, मतलब कि दे एक्सेप्ट द रियलिटी में है. ओके, अब हाँ, वैसे जो कॉक्यूलस के लोग होते हैं, दे आर वेरी वाइवेशियस, चीयरफुल पर्सन. एक्टेसी में भी कॉक्यूलस है, यानी कि एक्टेसी क्या होती है, व्हेन वी हैव इंक्रीज सेरोटोनिन, है ना. तो वो फुल इंजॉय वाले करने वाले भी बंदे होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, बड़ी खुशी से सब कुछ करते हैं, बहुत लविंग होते हैं. लेकिन जब वो एंटर करेंगे ना, आपको एक लविंगनेस दिखेगी उनमें से, एक स्वीटनेस दिखेगी. थोड़े नाइव भी होते हैं, एक स्वीटनेस होती है, एक सिंपल पर्सन कह सकते, बड़े प्यारे से होते हैं, ठीक है. बाकी ये कंटेंट में होते हैं, सिंपथेटिक होते हैं. अब हम लोग भी जानते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा केयर और वरीज में भी होते हैं, ठीक है. हाँ, अच्छा, एक इसका रूब्रिक है, सॉलिसिट्यूड टू अदर्स. क्यों है कॉक्यूलस इस रूब्रिक में? सॉलिसिट्यूड का मतलब क्या है? SOLICITUDE, मतलब दे आर एक्सट्रीमली कंसर्न अबाउट अदर्स. दे शो ग्रेट अटेंशन टू अदर्स, तो दे आर इन सॉलिसिट्यूड टू अदर्स. दूसरों के लिए अपने जी जान से करते हैं कॉक्यूलस, ठीक है. मानो उसके घर में कोई बीमार है, मानो उसके सास ससुर या कोई बच्चा बीमार है, तो वो उसको बार बार चेक करेगी, बार बार फीवर चेक करेगी, बार बार पट्टियां रखेगी, क्योंकि वो पूरी एक नर्सिंग में चली जाती है. हम लोग जानते हैं ना, इट्स अ नर्सिंग रेमेडी. तो वो पूरा उसका जो फोकस होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस बीमार इंसान पे होगा. वो अपने आप को भूल जाएगी, उसका पॉटी यूरिन सब चेक करेगी, स्पॉन्जिंग भी करेगी, सब कुछ करेगी, मेडिसिन टाइम पे, उसको क्या खिलाना है वो सब भी टाइम पे, ठीक है. तो उसका खुद का भूख प्यास सब मिट जाती है जब वो अपने किसी पेशेंट का टेक केयर कर रही होती है. दैट्स व्हाई कॉक्यूलस इज इन रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस, क्योंकि वो 200% कर देती है, कुछ एक्स्ट्रा ही कर देती है ना. सेक्सुअल एक्सेस क्या होता है? सेक्सुअल इज अ काइंड ऑफ प्लेजर एक्टिविटी, तो कॉक्यूलस को ये करने में भी मजा आ रहा होता है. दूसरों का इतना केयर करने में उसको मजा आ रहा है, उसको सुकून मिलता है ये करके, इसलिए वो खुद को भूल जाती है इसमें, खुद का खाना पीना सब भूल जाएगी, ओवर करती रहेगी. उसका पूरा फोकस कहाँ होगा? सिर्फ सिर्फ उस पेशेंट की हेल्थ पे. एंटिसिपेट भी कर लेती है, अगर मैंने नहीं किया तो कहीं इसको कुछ हो ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं और बुरा ना हो जाए, और फिर वो एलिमेंट्स में भी आ जाती है ड्यू टू एंटिसिपेशन, ठीक है. एंजाइटी स्लीप प्रिवेंटिंग, यानी कि जब उसको इतनी चिंता हो रही होती है तो उसको नींद भी आना बंद हो जाती है, ठीक है. फिर वो धीरे धीरे बिल्कुल एनर्जीलेस हो जाएगी और एग्जॉस्ट हो जाएगी. एक बहुत अच्छा रूब्रिक है कॉक्यूलस का, टॉक्स अबाउट नथिंग बट केयर, यानी कि वो जब डॉक्टर के पास भी जाएगी ना, तो वो अपने सिम्टम्स बताने की जगह ना, अपने साथ जिसको लाई है उसके बारे में बताएगी, या बताएगी मैं घर में ये करती हूँ, फिर मैं मदर इन लॉ के लिए ये करती हूँ, फादर इन लॉ के लिए ये करती हूँ, फिर बच्चे को लिए ये करती हूँ, फिर मेरे बेटे को ये चाहिए होता तो मैं ये बना देती हूँ, फिर मैं अपने हस्बैंड को, मतलब वो अपने सिम्टम्स बताने की जगह क्या बता रही है? अपना पूरा रूटीन एक तरह से बता रही है कि मैं किस तरह से दूसरों की केयर करती हूँ. अपनी बीमारी का नहीं बताएगी, वो बताएगी मैं क्या क्या कर रही हूँ, वो बताने लग जाएगी. कॉक्यूलस इज इन वेरी ब्यूटिफुल रूब्रिक, डिजायर्स नथिंग, मतलब उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए. जैसे कि मानो बहुत लोगों ने कार्सिनोसिन बोला, तो कार्सिनोसिन इज एन एप्रिसिएशन डिजायर,
ना, वो प्लीजिंग करती है दूसरों की ताकि उसको थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिले, कोई उसको शाबाशी दे दे, है ना। लेकिन कॉक्यूलस को ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे भी कुछ वापस में मिले। देखो ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं है, उसको भी बुरा लग जाता है कई बार अगर कोई उसका इंसल्ट करे या कुछ बुरा लगता है, पर फिर भी वो किसी से कुछ नहीं मांगती। उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतनी स्ट्रांग में है कि वो अपना कार्य पूरा करेगी, ठीक है। अब जो है उसकी स्टेट चेंज हो रही है। अब देखो कितना किया उसने ना, सेक्सुअल एक्सेस कर दिया, अब वो थोड़ी हीडलेस भी हो जाती है। डिल्यूशन हेड देयर वर नो हेड, यानी कि उसका दिमाग ही नहीं है कि वो कितना किए जा रही है, ठीक है। अब वो जो है ना उसी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, एकदम एब्सेंट माइंडेड हो जाएगी, उसी का सोचती रहेगी। अब जब कोई इंसान किसी भी चीज की अति कहीं ना कहीं जाकर नुकसानदेह हो जाती है, तो यहाँ पे भी अब उसका नुकसान होने लग जाएगा। यानी कि अब वो आ गई नर्सिंग एग्रवेशन में, यानी कि उसने इतना किया ना, इतना नर्सिंग किया कि अब वो ही नर्सिंग उसको एग्रवेट कर रही है। अब वो डलनेस में आ जाएगी, डलनेस में आ जाएगी, कंफ्यूजन ऑफ माइंड में आ जाएगी, डिस्करेज हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड में आ जाएगी, है ना। उसके बाद आंसर आंसरिंग स्लोली या आंसर आंसरिंग थिंग्स लॉन्ग में आ जाएगी, ठीक है, बहुत डल हो जाएगी। एक बात और बताएंगे कि कॉक्यूलस जो है ये डल हो क्यों जाता है। देखो उसको भी बुरा लगता है, वो इतना करती है, लेकिन उसका कोई इंसल्ट कर दे तो उसको भी बुरा लगता है। बट दे एब्जॉर्ब ऑल द इम्प्रेशंस, दे एब्जॉर्ब ऑल द इंसल्ट, ठीक है। बट वो एक बाहर से एकदम काम एक्सटीरियर दिखाएंगी कि मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, वो फिर भी करेंगी, ठीक है, एब्जॉर्ब कर देगी अपने सारे इमोशंस, ओके। नाराज होंगी लेकिन दिखाएंगी नहीं, अपनी डिजायर्स अपनी फीलिंग्स वो सब कुछ सप्रेस कर देंगी। देन दिस क्रिएट्स अ स्टेट ऑफ डलनेस। अब वो डल हो जाएंगी। देखो कहीं ना कहीं जब अंदर अंदर इंसान को एक चीज खा रही है, देखो किसी ने बोला, अब उसने रिप्लाई तो नहीं किया, रिप्लाई तो नहीं किया, पर अंदर अंदर उसको कहीं ना कहीं बुरा तो लगा ना। तो अब वो जब अंदर अंदर घुट रही है ना, तो वो डलनेस में आ जाती है। फिर वो जो है ना डिस्करेज हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, स्लो टू आंसर, स्लो थिंकिंग में आ जाएगी, वीक मेमोरी हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन वो चुपचाप ये सब कुछ एब्जॉर्ब करती रहेगी एंड सिट्स विद आईज क्लोज, यानी कि आंख बंद करके सब कुछ सहन करती रहेगी, डलनेस करती रही, डलनेस में आ जाएगी। डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चंस आफ्टर रिपीटिशन, ये एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है कॉक्यूलस का, यानी कि उसको बार बार एक चीज बोलनी पड़ेगी तब वो जो है उस चीज को समझ पाती है। इसके अलावा हाँ, डिल्यूशन ही हैज कमिटेड अ क्राइम, इसमें भी है, क्यों है कॉक्यूलस इसमें, इसने ऐसा कौन सा क्राइम किया कि उसको लग रहा है कि मैंने ये जो है गलत किया है। देखिए कॉक्यूलस जो है ना ये समझती है कि दूसरा इंसान अगर कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्या उसकी कोई मजबूरी है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये समझने की कोशिश करती है। मानो उसे कुछ चाहिए, दूसरे ने नहीं किया, तो वो सोचेगी कि जरूर इसकी कोई प्रॉब्लम होगी, तभी ये मुझे तभी ये ऐसे कर रहा है, या मेरे से ही कोई गलती हुई होगी तभी ये ऐसे कर रहा है, मैंने ही कुछ कमी कर, हो सकता है वो इस तरह से सोचती है और उसको लगता है कि मेरी ही गलती है और मैंने ही कोई क्राइम किया है। इसके अलावा कॉक्यूलस जैसे कि हम सभी जानते हैं मैथमेटिक्स एबिलिटी में है। देखिए जब वो इतना कर रही है कर रही है कर रही है, एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जब वो समझ जाती है कि अब मैं इस सिचुएशन को और बेटर नहीं कर सकती, और बेटर नहीं कर सकती, तो फिर वो किस रूब्रिक में आती है, रिकॉग्नाइजेज एवरीथिंग कैन नॉट मूव इन कैटालेप्सी। अब कैटालेप्सी क्या होता है, देखिए मैं इसको आपको थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ। कैटालेप्सी इट इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच देयर आर सीजर्स विद लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस एकम्पनीड बाय रिजिडिटी ऑफ बॉडी, इट मींस यू कैन नॉट मूव। कैटालेप्सी क्या होता है, सीजर्स आते हैं ना, फिट्स आते हैं, फिर आपका अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो आप कुछ बदल नहीं सकते, जो हो रहा है तो वो हो रहा है ना। जब किसी को फिट्स आते हैं, सीजर्स आते हैं, तो जो हो रहा है हो रहा है, क्या वो जिसको आ रहे हैं वो कुछ कर पाएगा, वो रोक सकता है, नहीं रोक सकता, उसको जितनी देर तक आना है वो आएगा। तो यही है दैट शी कैन नॉट, शी अंडरस्टैंड्स दैट शी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, सो व्हाट शी डज, शी जस्ट रिकॉग्नाइजेज एवरीथिंग एंड जस्ट सिट्स विद आईज क्लोज, और उसको पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता,
कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, अब जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अब मानो जैसे कि किसी पेशेंट को कैंसर है, तो वो काफ़ी कोशिश करेगी, पहले काफ़ी कोशिश करेगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, लेकिन एक टाइम पे उसको समझ आ जाता है, ठीक है कि ये अब मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकती। वो समझ जाती है कि अब कैंसर है, ये बिल्कुल ठीक तो होगा नहीं। तो अगर वो डॉक्टर के पास भी जाएगी कि तो वो यही कहेगी, हाँ जी डॉक्टर साहब आप कोशिश कर लो, अगर कुछ हो सकता है तो, नहीं तो ठीक है, अब मुझे पता ही है कि ये हो गया है। तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, वो सच्चाई को पहचान कर एक्सेप्ट कर लेती है, जो होगा वो होगा। इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि हाँ जैसे कि मानो कि किसी लड़की की शादी हुई है और शादी के कुछ टाइम बाद उसकी मदर लॉ एक्सपायर हो गई है, या फिर मदर लॉ बहुत बीमार है, तो वो क्या करेगी, उसको पता है कि मदर लॉ से कुछ काम नहीं होगा और घर पे उसकी ज़रूरत है, तो वो लड़की जो है सब समझ जाती है, वो मैथमेटिक्स एबिलिटी में है, वो समझ गई है, वो समझदार है इतनी, वो समझ जाएगी कि अभी मुझे मेरी घर में ज़रूरत है, तो वो अपनी जॉब छोड़कर जो है अपने घर पर ध्यान देगी, केयर करेगी अपने मदर लॉ की, ठीक है। और ये हार्मनी विद सेल्फ कोहरेंस में भी है, और इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज्ड। एक और बात बताते हैं मैथमेटिक्स एबिलिटी ऑफ कॉक्युलस के बारे में। इसको पता है जैसे कि उस लेडी ने जॉब छोड़ दी, जैसे कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। एक और है कि मानो कि हाँ बहुत जनरेशन गैप जैसे कि होता है यूजुअली जो बड़ी लेडीज़ हैं, या वो अपनी बहुओं को समझती हैं, जैसे कि इस केस में भी ये था कि वो समझ रही थी कि मेरी बहू इतनी पढ़ी लिखी है तो उसको नौकरी करनी ही है ना, तो ये लोग जनरेशन गैप को भी समझते हैं। इसके लिए मैं आपको वीडियो के एंड में एक वीडियो भेजूंगी, बहुत अच्छी है। तो उसमें जो वो फीमेल है वो मुझे कॉक्युलस का फील देती है वो वीडियो देखने के बाद, तो आप लोग ज़रूर देखेगा उसको, क्योंकि कॉक्युलस जो है वो समझ जाती है कि क्या परिस्थिति है और उसको उस परिस्थिति के लिए क्या करना बेहतर रहेगा, ठीक है। आई एम डन विद इट। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो बताइए, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी प्लीज़ रखिए, और अगर आप लोग जैसे बहुत लोगों ने सीपिया बोला, कारसी बोला, कारसी का मैंने बताया कि कारसी तो अप्रिसिएशन डिज़ायर में रहती है, उसे मतलब कुछ ना कुछ चाहिए होता है वापस, लेकिन वो चाहती है कि मुझे कारसी चाहिए कि मुझे शाबाशी दे, नहीं तो लोग बोलेंगे कि यार ये बहू के होते हुए सास के होते हुए भी बच्चा बीमार है, सास ने छोड़ के चली गई, तो इसलिए वो कारसी होती तो वो शायद जा भी सकती थी इस बीमारी में, है ना। या फिर वो सोचती थी कारसी होती तो वो ये बोलती कि नहीं नहीं मैं करूँगी करूँगी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती कि मेरी तारीफ की जाए, या मुझे एक मुझे लोग बोले अरे वाह वाह कितनी अच्छी सास है ऐसे करके ना। और कारसी में डोमिनेशन भी की भी हिस्ट्री मिलती है, हो सकता है उनका हस्बैंड डोमिनेट करता या कोई डोमिनेशन की हिस्ट्री ज़रूर मिलती, जबकि इस केस में मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। बहुत लोगों ने सीपिया भी बोली शायद, सीपिया नहीं, और आप लोगों ने बताई वनीला बताया है ना, तो वनीला की एनर्जी मुझे उनमें नहीं दिखी। वनीला डिक्टेटोरियल होती है, और उनका ऑर्डर डिसायर और फास्टिडियसनेस ऐसा कुछ मुझे इस केस में नहीं मिला। और वनीला में एक हाँ वनीला को ना समझ होती है दुनियादारी की कि कौन सी चीज़ कब करनी है कैसे करनी है, वो सिर्फ एक आदमी के पीछे नहीं पड़ी रहेगी, वो घर पे भी ध्यान देगी, घर को भी कैसे मैनेज करना वो उस पर भी ध्यान देगी, है ना। और हाँ वनीला जो है नेचर लवर होती है, जो कि इस केस में मुझे ऐसा कुछ खास नहीं मिला। और वनीला जो है इतनी रिजर्व भी नहीं होती है, वनीला शायद से नेकेड वॉन्ट्स टू बी में भी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। कोई कुछ बोलना चाहेगा इस केस के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैम एक रूब्रिक, मैम एक रूब्रिक आपने बताया था, डिल्यूजन हेड नो हेड देयर वेयर, तो उसमें मैम जब पांच, नहीं मैम हेड हेडलेस नहीं,
हेड डिल्यूजन हेड, तो उसमें मैम पांच दवाएं हैं, पांच ड्रग हैं, 3, 4, 5, 6 सिक्स ड्रग है मैम, उसमें कोकुलस भी है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगी? हाँ जी मैं बताऊंगी, इसकी बोला गया डिल्यूशन हेड डज नॉट है के है ना ये रूबिक नो जी हेड नो हेड देयर वेयर नहीं डिल्यूशन हेड हेड देयर नो है ना का ही देयर वर नो हेड। देखो हेड क्या होता है सर, दिमाग होता है ना, तो ये क्यों बोला गया कि वो हेडलेस है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं सोच रही है ना, वो अपने बिल्कुल भी नहीं सोच रही है, उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि मैं बीमार हो रही हूँ, मैं खा नहीं रही हूँ, मैं एक इंसान पे इतना फोकस कर रही हूँ, अपने आप को कहीं ना कहीं सो नहीं रही है, वो खा नहीं रही है इतना दूसरों के लिए कर करके, तो इसलिए ये इस रूब्रिक में डिल्यूशन हेड देयर वर नो हेड, जैसे कि उसके अंदर दिमाग ही नहीं है सोचने के लिए, ज्यादा सेल्फिश हो जाती है। अति दी ना उसने किसी चीज की एलिमेंट क्यों आता है? जब बैलेंस खराब हो जाता है, उसे बैलेंस करना नहीं आया है ना, जब इम्बैलेंस स्टार्ट होता है ना, तब इंसान किसी भी एलिमेंट में आता है, किसी भी डिजीज में आता है, तो वो बैलेंस नहीं कर पाई उस सिचुएशन को। आपको सर समझ आया? जी मैम समझ आया। कुछ आना चाहिए इसके इस केस में जो अलग लगा हो, समझ नहीं आया हो, किसी को कोई क्वेरी हो? बिकॉज आई थिंक हमने काफी कवर कर लिया है, अगर कुछ समझ नहीं आया या कुछ एड ऑन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। कोई भी कुछ बोलना चाहता हो, किसी के पास कॉकुलस का केस है तो आप लोग शेयर कर सकते हो। मैम नर्सिंग एग्रेवेशन थोड़ा समझ। पार्डन प्लीज सर, आपने क्या बोला सर, दोबारा बोलिए प्लीज। नर्सिंग एग्रेवेशन, नर्सिंग एग्रेवेशन सर। अच्छा जैसे आप कभी हॉस्पिटल गए हैं ना, तो आपने देखा होगा कि नर्सेस तरह से करती हैं, इतना केयर करती हैं पेशेंट, उसको टाइम दवा देनी है, किस टाइम यूरिन कर कि किस टाइम उसकी पॉटी चेक करनी है, उसको स्टिंग करती हैं, उसका पूरा ध्यान रखना है, उसकी डाइट का ध्यान देती है ना, एक चार्ट बना के रखती हैं वो लोग, नर्सिंग पेशेंट पूरा एक चार्ट होता है एक पेशेंट का, ये सब कुछ करना है ना। अब ये कॉक्युलस होती है, ये जब किसी का इस तरह से ध्यान रख रही होती है ना, तो वो खुद को भूल जाती है सर, उसको बैलेंस करना नहीं आता, जैसे कि मैंने बताया, तो 100 की जगह ना 200 पॉइंट कर देते हैं, वो हर मिनट मिनट में चेक करेगी फीवर, हर थोड़ी थोड़ी देर में फीवर चेक करेगी, मनोवर का केस में है ना, रख रही किसी को हो तो एक मान, तो वो तुरंत बार 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 किसी, तो वो क्या कर के मरीज में है, तो ही जब करते इसी एग्रीवेशन जाती है, नर्सिंग करते तो होप दिस क्लियर। क्या कह रहे हैं सर? तो सर प्लीज पूछ रहे थे, ओके हेलो ठीक है मैम, अभी आपने एक रूब्रिक बोला एल्ट्रिज्म या ऐसा कुछ, थोड़ा सा उसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, एल्ट्रिज्म या क्या था वो, थोड़ा सा It is caring about the need of some, about happiness of others. समझ रहे हैं आप?
मैडम आवाज कट रही है, वॉइस क्लियर नहीं मैम, प्लीज वंस अगेन प्लीज, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हम रिलीज ये अगर आवाज जी थोड़ा लीव करके ज्वाइन करो, शायद नेटवर्क कम है। एल टू इज हाँ ठीक है। हाँ जी तो आप अभी तक ठीक थी, जो पहले गया तब ठीक थी ना आवाज आ रही थी? हाँ अभी ठीक है, 5 मिनट पहले थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी उन्होंने। अब ठीक आ रही है मैडम। ठीक है गुड। तो यू आर आस्किंग अबाउट एल्ट्रुइज्म राइट? तो एल्ट्रुइज्म क्या होता है? दिस इज द केयर फॉर अदर्स, दिस इज द केयर फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अदर, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए क्या अच्छा है वो सोचना, और खुद के लिए ना सोचना, अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों के लिए सोचना, अपनी भूख से ज्यादा दूसरों के खाने के लिए सोचना कि उसको मिला कि नहीं मिला, समझ रहे हो? खुद को, खुद की नींद वगैरह सब भूल जाना, लेकिन दूसरे ने अच्छे से सोया कि नहीं, दिस इज एल्ट्रुइज्म। आपको समझा सा समझ आया? यस मैम। कंप्लीट में है ये रुबरी? हाँ जी सर है, कंप्लीट में है, सिंथेसिस में। मैडम स्पेलिंग क्या है इसमें? ALTRUISM। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम, इज दिस सेम एज सेल्फलेसनेस? सेल्फलेसनेस जैसा है, सेम तो नहीं कह सकते, बट वैसा है। सेल्फलेस जैसा है, सेल्फलेस बंदा क्या होगा? देखो इसमें क्या ऐड ऑन हुआ एल्ट्रुइज्म में, कि वो दूसरों के लिए ज्यादा सोच रहा है। और सेल्फलेस में क्या हुआ कि सेल्फ है लेकिन लेस है, अपने बारे में सोचता है लेकिन कम सोच रहा है ना? एल्ट्रुइज्म में दूसरों का बहुत ही ज्यादा सोच रहा है, दूसरों के लिए क्या अच्छा है, अपने लिए तो भूल ही गया है। यू गॉट माई पॉइंट? ओके मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। सेल्फ डिनायल कैसे लीडी है? सेल्फ डिनायल, सेल्फ डिनायल से डीडी करें, ठीक है। देखो सेल्फलेस में क्या हुआ कि अपने बारे में थोड़ा कम सोचा, सेल्फ डिनायल में क्या हुआ खुद को भूल ही गया, खुद के लिए कुछ करेगा ही नहीं। और इसमें एल्ट्रुइज्म में एक एड ऑन क्या हुआ कि खुद के लिए भी नहीं कर रहा लेकिन दूसरों के लिए भी सोच रहा है, दूसरों के लिए कितना कर रहा है, सब कुछ दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं है। तो यहाँ पे एक एड ऑन हो गया ना एल्ट्रुइज्म में, क्या एड ऑन हुआ कि दूसरों का के भलाई के लिए भी सोच रहा है वो, ठीक है ना? बाकी सेल्फ डिनायल में आपके पास सोर्सेस भी नहीं होते हैं कुछ करने के लिए। मानो आप कुछ करना चाहते हो तो वो आप रुक जाओगे वो करने से, क्योंकि आपके पास उस काम को पूरा करने के लिए वो चीज ही नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन मैम? जब चीज नहीं है तो फिर मैं सेल्फ डिनायल क्या, वो तो उसकी मजबूरी हो गई ना। हाँ तो आत्मत्याग हुआ ना सर, ये सेल्फ डिनाइल क्या हुआ, आत्मत्याग हुआ ना, मजबूरी के साथ हुआ तो, जैसे भी है, त्याग पर उसने होगा ना, जो चीज आपके पास हो, जब आपके पास है ही नहीं तो त्याग काम तो उसने अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं किया सेल्फ डिनाइल में, अपनी इच्छाओं का त्याग किया ना, जो वो चाहता था वो नहीं किया ना। मानो आपको कोई काम करना है लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप कैसे करोगे, तो वो सेल्फ डिनाइल में चला जाता है। अल्ट्रुइज्म कॉम्प्लीट में है ना? अल्ट्रुइज्म कॉम्प्लीट में है? इनको ले इनको लेस डिफिकल्टीज में बताइए मैडम। क्या बोला सर आपने, मैंने सुना नहीं।
indolence difficulties in face of indolence. अच्छा indolence. हाँ इंडोलेंस डिफिकल्टी विद इन फेस ऑफ एक इंडोलेंस डिफिकल्टी आगे क्या बोला सर आपने इन फेस ऑफ फेसिंग इसमें कॉक्युलस है ना इंडोलेंस अवर्जन टू वर्क फेसिंग डिफिकल्टीज अब सर जब देखो हमें भी पता है कि कॉक्युलस की दो स्टेट्स हैं एक में वो बहुत ज्यादा कर रही है ना सेल्फलेस ओके कर रही है और एक में उसको नर्सिंग एग्रेवेशन आ गई है अब इंडोलेंस में क्या होता है वो लेजी हो रही है ना वो नहीं कर पा रही है किसी कारण से तो वो जो डिफिकल्टीज है वो फेस नहीं कर रही तभी तो फिर वो इसमें मैथमेटिक्स एबिलिटी करके आगे वो रिकनसाइल इसमें आ जाती है रिकॉग्नाइजेज एवरीथिंग कैन नॉट मूव इन कैटालेप्सी में आ जाती है क्योंकि अब वो डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस ही नहीं कर सकती वो थक गई है ना अब वो पावरलेस हो गई है एनर्जी लेस हो गई है एनी अदर क्वेश्चन सर आप सबको अच्छे से समझ आया कोई भी क्वेरी है कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो हम लोग फिर से डिस्कस कर सकते हैं बहुत बढ़िया मैम बहुत बढ़िया बहुत थैंक यू सो मच सर बहुत बढ़िया मैडम बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने वेरी नाइस आई थिंक सबको कॉल्क्यूलस कवर वो छप गया होगा दिमाग पे और भूलेगा नहीं एक एक रूब्रिक को आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया हाँ तो ये शानदार सेशन था कॉल्क्यूलस सबके लिए तो अभी जैसे किसी ने पूछा था ना वो सेल्फ डिनायल तो सेल्फ डिनाय में ना डिनाय हम अपने को अलग कर देते हैं उस वो जो एक होता है इनहिबिशन हम अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं है ना तो वो इनहिबिट हुआ जैसे स्टेफिस एग्रिया इनहिबिशन में भी शायद सेल्फ डिनायल में भी है तो डिनायल में क्या होता है हम दूसरों के लिए जैसे मैंने शूज खरीदे ठीक है लेकिन वो शूज मैंने नहीं पहने अपने छोटे भाई को दे दिया ठीक है अपने आप को डिनाय कर दिया दूसरे के लिए ठीक है अब एल्ट्रुइज्म में क्या होता है परोपकार की भावना ठीक है आप अपना करते हुए भी दूसरों के लिए कर रहे हैं ठीक है दूसरों का उपकार करने के लिए आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन उसमें डिनायल नहीं है आप अपना कर रहे हैं जैसे हम कर नहीं रहे परहित के लिए हम कुछ कर देते हैं ठीक है सबको समझाना ये किसी का क्वेरी था ही हाँ तो ये एल्ट्रुइज्म वो कहलाता है जैसे हमने कभी परहित में अपन ने क्या किया किसी को अभी ठंड के टाइम पे क्या किया हमने ये दान कर दिया ये कर दिया है ना तो ये थोड़ा सा आप जैसे बेनेवोलेंस तो हम किस सेंस में कर रहे हैं ये हमारी इनर फीलिंग हम बेनेवोलेंस की वजह से कर रहे हैं जेनरस की वजह से कर रहे हैं या परहित की वजह से कर रहे हैं परहित डिफरेंट है ठीक है परहित में हमारा हित छुपा है इनडायरेक्टली समझिए ठीक है बेनेवोलेंस में हमारी सिंपैथी उससे वो जो हमारा जो नेचर है ना बेनेवोलेंसी का हम उसकी वजह से करते हैं सिंपैथी में तो हमको लगेगा कि अरे इसको कितना लगता है कि इसको एक कपड़ा पहना दे यार वो अच्छा नहीं लगता वो ठंड में यदि ठिठुर रहा है तो सिंपली हम बेनेवोलेंस में एक्ट कर जाते हैं ठीक है कुछ कर जाते हैं सामने वाले के लिए ठीक है तो एल्ट्रुइज्म परोपकार थोड़ा सा दूसरों के लिए कर देना जैसे किसी की शादी में चंदा दे देना ठीक है 10,000 मेरे से ले ले तुम्हारी लड़की की शादी हो जाए तो उसका बेसिक नेचर नहीं है लेकिन वो परोपकार की भावना की वजह से कर रहा है ठीक है तो इंटेंशन इज डिफरेंट एक्शन इज एक्शन इंटेंशन की वजह से तो इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन जेस्चर ठीक है आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा सर मैम ये समझाना चाह रही हैं कि वेलफेयर में जो प्रीफरेंस है वर्ड प्रीफरेंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने में
कि वो प्रीफर करता है दूसरे को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक. हाँ वही 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 सही है. ठीक है सबको क्लियर हो गया आई थिंक. और कोई पूछे सर, कौन सा इंडस्ट्री तब क्या हुआ? जैसे आपने अभी बोला कि शादी में वो किसी चंदा दे दिया, मतलब परोपकार कर दिया, उसको बेनिफिट तो हो गया कि उसको जो दिया उसको वापस चाहिए वो चीज. और नहीं 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 बोला कि इंटेंशन इंटेंशन. देखिए एक जेनरस होता है तो वो उसका अंदर से वो फील आता है. बेनिवोलेंस वाला क्या है, उसका भी अंदर से फील है लेकिन जेनरस में ज्यादा. ठीक है आपके पास जो भी हो उतार के दे दिया आपने, बेनेवोलेंस वाला आपने ये भी करके दे दिया, तो इंटेंशन क्या है उसका अंदर से जो सिंपैथी की भावना है ना, वो जब एक्ट करने लगती है तब आप बेनेवोलेंस में हो जाते हो. ठीक है सिंपैथी वाला आने दे होगी क्या है. हाँ एल्टूरिज्म में वही बताया, परोपकार की भावना. आपने क्या चंदा दिया लेकिन आप बेनेवोलेंस की वजह से नहीं दे रहे हो, आप चलो इसका कुछ भला हो जाए यार. दिस सेंस ठीक है. तो मैं पूछ रहा हूँ जेनरस टू तब फिर कैसे डीडी करेंगे? ओहो जेनरस टू में आपके पास जो है ना सब उतार के दे देते हो आप. अच्छा सब उतार के देते हैं. हाँ समझा. अच्छा जी सर बच्चन हो जाएंगे शराबी का. हाँ बच्चन हो जाएंगे शराबी का. बच्चन हाँ वो शराब पी के सल्फर को देखा होगा ना आपने, सल्फर महादानी होता है. जैसे वो आपने कई मूवीज फिल्म कई सीरियल्स देखे होंगे, ये उतार के सब दे दिया अपना है ना. अपने पास कुछ नहीं छोड़ जनरस वाला ना, इवन उसके पास पचास रुपए हैं और अभी उसको जाना है तो वो निकाल के दे देगा भले पैदल चला जाएगा. ठीक है जी. अब वहीं पे बेनेवोलेंस वाला हुआ तो चल 20 रुपए ले ले यार, 30 में मेरा काम बन जाएगा, 20 में तेरा काम बन जाएगा. समझे ना. हाँ तो इसमें ना पर्सन के इनहिबिशन, आपने अपनी इच्छाओं का दमन किया ना, अपनी डिजायर्स को सप्रेस करते हैं आप. इनहिबिट देखो आप इनहिबिट. ठीक है और बाकी क्वेरीज मैम से पूछिए वो एक्सप्लेन करेंगे. बहुत बढ़िया सेशन रहा, कॉक्यूलस डिटेल में हो गया, कई सारे रूब्रिक्स तो मैंने आज पहली बार सुने. थैंक यू मैम. थैंक यू मस्त बहुत अच्छा बहुत बढ़िया था. शुक्रिया मैम. थैंक यू सो मच मैम. रिकॉर्डिंग डाल देंगे. मैं आधा अटेंड कर पाया नहीं, कर रिकॉर्डिंग डाल देंगे. आएगा सर यूट्यूब में आ जाएगा. ठीक है सर आई थिंक सबको क्लियर हो गया है तो वाइंड अप करें आलोक सर. Thank you.